दोस्तों, जब हम अपने आसपास में हम अपने जगत की कल्पना करते हैं कि हम संसार में रह रहे हैं, तो उसी जगत में एक जगत होता है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत के बारे में कोई यदि जानना प्रारंभ कर दे तो सदियों बीत जाएंगे, परंतु इनकी गहराई तक पहुंचना असंभव। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इनकी बहुत लंबे समय तक खोज की, तब जाकर के इनका थोड़ा थोड़ा अंश उनको पता चलने लगा था। संपूर्ण ज्ञान तो कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। वनस्पति जगत के स्वामी हैं भगवान भोलेनाथ। आज मैं जिस वृक्ष के बारे में बात करूंगा दोस्तों, बड़ा विशालकाय वृक्ष होता है, और इस वृक्ष के बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अब ये जो विशालकाय वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर के यदि ध्यान किया जाता है तो ध्यान शीघ्र लग जाता है और शीघ्र ही फल की प्राप्ति भी होती है। इसके तने के चारों ओर परिक्रमा करने से मन की इच्छा की पूर्ति भी होती है। आपकी यदि इच्छा जायज है तो अवश्य पूरी होती है। इसके अंदर जब हम टहनी को तोड़ते हैं तो उसमें से सफेद दूध निकलता है, जो बड़ा पौष्टिक होता है। दोस्तों, इसके एक-एक अंग की जो उपयोगिता है, वो तो मैं केवल एक वृक्ष की बात कर रहा हूं, पूरी वनस्पति को तो कोई जान ही नहीं सकता है। हाँ दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है बड़, यानी बरगद, वट वृक्ष। दोस्तों, वृक्ष जितना जितना विशालकाय पुराना होता चला जाता है, उतनी ही इसकी और उपयोगिता बढ़ने लग जाती है। और जब यह है सालों पुराना हो जाता है, तो इनके मोटे मोटे डालों में से कुछ शाखाएं निकलने लग जाती हैं अलग से, जो धरती की ओर ही आती हैं और धरती में फिर समा जाती हैं। उनको जटाएं बोलते हैं, यानी वट वृक्ष की जटाएं। आज मैं इन्हीं का प्रयोग आपको बता रहा हूं दोस्तों। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मन की इच्छा की पूर्ति करने वाला और धन को देने वाला और आपके कार्यों को बनाने वाला, यह प्रयोग जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, बस बड़ा आसान प्रयोग बताऊंगा। अब यह जो वृक्ष की जटाएं नीचे आती, इन जटाओं के अंदर बारीक बारीक से जटाएं और आपको दिखाई देंगी। जो जटाएं मोटी नीचे आ रही हैं, उनमें बारीक बारीक सी जटाएं और निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। जैसे नारियल होता है, इसी प्रकार की, इसी रंग की नारियल के ऊपर जो होता है, ऐसी ही जटाएं सी होती हैं। तो चाहे पतली हो चाहे थोड़ी मोटी हो, पर आपको मिल जाती हैं। आप देखेंगे तो बहुत सी मिल जाएगी। सोमवार के दिन बस दोस्तों थोड़ी सी ले आना। आपने करना क्या है दोस्तों, बस एक मिट्टी का पात्र ले लेना। उस पात्र में इन जटाओं को डाल करके और घी लगा देना, घी डाल देना और जला देना, चल जाए। क्योंकि वो पहले ही इतनी पतली होती हैं कि वो सूखी के समानी होती हैं, घी डालते ही और अग्नि लगाते ही वो जल जाती हैं। यदि थोड़ी मोटी भी हैं आप ले आए और आपको लगता है कि
कि यह जल नहीं पाएंगी, गीली है तो सोमवार को ले आए, अगले सोमवार तक सूख जाएंगे, अगले सोमवार को जला लेना। अब जब आप जलाते हैं दोस्तों, तो इसका पाउडर बनता है, काले रंग की राख हो जाती है, जिसको पाउडर बोलो चाहे उसको भस्म बोलो। दोस्तों यह है जो भस्म आप तैयार कर लेंगे, इसको आपने एक खाली डब्बी लेनी है। खाली डब्बी बहुत सी मिल जाया करती हैं, ना मिले तो ज्वेलर्स के पास, जिसमें बहुत से अपने ये देते हैं अपना सामान डाल करके, उनके पास में खाली डब्बियां ले लेना, या अपने घर में भी छोटी खाली डब्बियां रहती हैं, उसमें थोड़ी सी आधा चम्मच भर ही इस भस्म को डाल लेना दोस्तों। और बड़ा ही छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, जितनी भस्म डाली है उतना ही पूजा करने वाला सिंदूर होता है, उस सिंदूर को डाल लेना, हो गया काम, छोटा सा बस एक काम। और एक जायफल लाकर के पहले से ही रख लेना दोस्तों, एक जायफल अब इस डब्बी में और रख देना, और डब्बी को बंद कर देना दोस्तों। समझ लेना कि आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है। हे भगवान भोलेनाथ, मैं अपनी यह पूजा अपने स्थान पर रख रहा हूं, मेरे पास धन दौलत आते रहे, मेरा कर्जा दूर हो जाए, मेरे कार्य में सिद्धि प्राप्ति होने लगे। आपकी जो इच्छा है बोल देना दोस्तों, और इतना करने के बाद इस डब्बे को अपने पूजा स्थान पे ही रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आप जहां पर पैसे रखते हैं वहां पर रख देना दोस्तों। बस आप इन दोनों जगह में कोई भी जगह चुन लेना। यहां पर आपने इसको रख दिया तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, समझ लेना कि आपके पास सारे धन के रास्ते खुलने लग जाएंगे दोस्तों, और आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनने लग जाएगा, आपकी इच्छाएं भी धीरे धीरे करके पूरी होने लग जाएंगी। कर लेना दोस्तों, एक दिन का, एक आधा घंटे का सारा ही काम करना आपके ऊपर। यदि आपकी बुद्धि मानती है कि कर लेना चाहिए तो दोस्तों अवश्य कर लेना चाहिए। प्रयोग को छोटा समझ करके आप यूं ना कह देना कि इस छोटे से प्रयोग से होगा, प्रयोग छोटे ही हुआ करते हैं दोस्तों, पर इनका परिणाम बहुत बड़ा आया करता है, करके देखेंगे तो पता चलेगा, और अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।